हे गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पे। लास्ट क्लास तक मैंने आपको स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस के ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के बारे में बताया था, उसके कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स फॉर्म बनते हैं। अच्छा, मोनोडेंटल लिगेंड तक मैंने बात कर ली थी, अब हम बाइडेंटल लिगेंड पे बात करने वाले हैं। ठीक है, स्क्वायर प्लेनर जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं उनमें हम क्या शो कर रहे थे? ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स शो कर रहे थे। ठीक है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, सो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस और मोनोडेंटेड लिगेंड के लिए मैंने बात कर ली थी आपके लिए, अब हम बाइडेंटेड लिगेंड के लिए बात करने वाले हैं। बाइडेंटेड लिगेंड, द्विदंतुक जो लिगेंड होते हैं उनके लिए हम बात करेंगे। देखो, द्विदंतुक लिगेंड दो प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं आपके सिमेट्रिकल द्विदंतुक लिगेंड, ठीक है, और एक होते हैं आपके एसिमेट्रिकल बाइडेंटल लिगेंड। सिमेट्रिकल यानी कि सममितीय द्विदंतुक और एसिमेट्रिकल का मतलब होता है असममितीय द्विदंतुक लिगेंड। अब सिमेट्रिकल में क्या होता है और एसिमेट्रिकल में क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। यदि डोनर एटम दोनों के दोनों द्विदंतुक लिगेंड का मतलब दो दाता परमाणु, अगर दोनों के दोनों दाता परमाणु सेम है तो ऐसे जो लिगेंड होते हैं बाइडेंटेड वो आपके सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड होते हैं। ठीक है, किसकी बात चल रही थी यहां पे? बाइडेंटेड लिगेंड। और बाइडेंटेड लिगेंड कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका सिमेट्रिकल और एक होता है एसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल में मैंने क्या कहा, डोनर एटम जो दोनों के दोनों डोनर एटम है वो माना कि आपके सेम एटम है तो ये आपका क्या कहलाएगा? सिमेट्रिकल बाइडेंटल लिगेंड। ठीक है, हम ऐसा कर सकते हैं सेंटर मेटल एटम से ऐसा बाइडेंटल लिगेंड जुड़ा हुआ है जिनके दोनों दाता परमाणु क्या है, सेम है, तो ये आपका सिमेट्रिकल हो जाएगा और इस प्रकार के जो कॉम्प्लेक्सेस होंगे वो आपके जी आई शो नहीं करेंगे, उनके कोई भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं बनते हैं। यहाँ पे एक बात मैं आपको बता देता हूँ, इनके कोई भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं बनते हैं, लेकिन यदि सेंटर मेटल एटम से जुड़े हुए जो बाइडेंटेड लिगेंड हैं वो एसिमेट्रिकल हो, एसिमेट्रिकल का मतलब जो दोनों दाता परमाणु हैं वो डिफरेंट डिफरेंट हो, जैसे ए और बी, एक दाता परमाणु दूसरा हो, दूसरा दाता परमाणु दूसरा हो, दोनों डिफरेंट अगर डोनर एटम है तो ये आपके ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करते हैं। अब कैसे शो करता है, जैसे मैं एग्जाम्पल बता देता हूँ। पहले सिमेट्रिकल दाता परमाणु अगर हम देखें, सिमेट्रिकल जो आपके बाइडेंटेड लिगेंड है जिनमें दोनों दाता परमाणु सेम हो उसका मैं एग्जांपल लूं तो वो आपका इन हो सकता है, इथाइलिन डायमीन। देखो इथाइलिन डायमीन में क्या होता है, CH2 और ये आ जाएगा आपका NH2, ये आ जाएगा CH2 और ये आ जाएगा आपका NH2, तो ये सिमेट्रिकल है कि नहीं है? पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स जो है ये देखो, ये पूरा का पूरा सिमेट्रिकल है कि नहीं है? इसमें दाता परमाणु भी सेम है और पीछे जो आपके मॉलिक्यूल लगे हुए हैं CH2, ये पूरा का पूरा सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है कि नहीं? इन आपका पूरा का पूरा सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड है, क्योंकि अगर मैं इसको दो बराबर भागों में काटूं तो ये दो इक्वल हाफ में मुझे प्राप्त हो जा रहा है। अगर आपके सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड है तो वो आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरेज शो नहीं करता, जैसे इन है तो इन आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरेज शो नहीं करेगा, ऑक्सिलेटो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, क्योंकि ऑक्सिलेटो भी सिमेट्रिकल होता है, होता है कि नहीं होता? सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड ओपन नेगेटिव एंड सी डबल बॉन्ड ओ ओपन नेगेटिव, सिमेट्रिकल है नहीं? दो इक्वल हाफ में हम काट सकते हैं ना इसको, तो ये सिमेट्रिकल है, ये आपका जी आई फॉर्म नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? देखो, अब मेटल से आपने क्या किया, एक ए को यहां जोड़ दिया, दूसरे ए को यहां जोड़ दिया, ठीक है, इस प्रकार से ए को यहां जोड़ दिया, दूसरे ए को यहां जोड़ दिया, ये रिंग है, मैंने कहा था किलेट फॉर्म करते हैं, किलेटीकरण करते हैं ना उस प्रक्रिया को, तो किलेट फॉर्म करते हैं। अच्छा, अगर आप सोचो कि सर हम इसको 180 पर लेके जाएं, इस ए को यहां से यहां लेके जाएं और इस ए को यहां से यहां लेके आ जाएं, तो 180 पर हम नहीं रख सकते बाइडेंटेड लिगेंड को। एक बात ध्यान रखना, बाइडेंटेड लिगेंड के जो दोनों दाता परमाणु हैं वो एक दूसरे से 180 डिग्री पर नहीं रह सकते हैं। क्यों नहीं रह सकते हैं एक दूसरे से 180 डिग्री पर? स्ट्रेन हो जाएगा ना, एक दाता परमाणु यहां और दूसरा दाता परमाणु इतनी दूर तो नहीं रह सकता है, स्ट्रेन आ जाएगा, अनस्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, ठीक है, और स्थायित्व बढ़ जाएगा ना, इसीलिए 180 पर तो बाइडेंटेड लिगेंड के दोनों दाता परमाणु नहीं रह सकते हैं। केवल और केवल कितने डिग्री पर रह सकते हैं? 90 डिग्री पर रह सकते हैं। अब अगर ये 90 डिग्री पर रहेंगे तो आप खुद देखो ना,
इसको अगर यहां रख लो या इसको यहां रख लो तो इससे ज्यादा स्ट्रक्चर तो बनने वाला है नहीं भाई। ए और ए दोनों के दोनों जो बाइडेंटल लिगेंड के जो दोनों के दोनों दाता परमाणु ये सेम है और ये भी सेम है, ठीक है। अब 180 पर तो इसको हम ले जा नहीं सकते हैं, अगर 180 पर नहीं ले जा सकते हैं तो हम 90 से ज्यादा इसको चेंज करेंगे नहीं, कर नहीं सकते हैं, और इससे ज्यादा चेंज नहीं करेंगे तो इसका कोई भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं बन सकता है। समझ में आ रही बात भाई, चाहे इसको आप ऊपर ले जाओ चाहे इसको नीचे ले जाओ क्या फर्क पड़ने वाला है। पहले भी जैसे माना कि ये इन होता तो ये एक NH2 यहां होता एक NH2 यहां होता, अब आप नीचे वाले NH2 को ऊपर ले जाओ नीचे वाले ऊपर वाले NH2 को नीचे ले जाओ, कोई चेंजिंग होने वाला है? नहीं होने वाला है, क्योंकि उसके साथ CH2 भी ऊपर जाएगा और नीचे वाला CH2 ऊपर जाएगा, ऊपर वाला CH2 नीचे आएगा, तो ये भी CH2 ये भी CH2, तो पूरा का पूरा सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड है ना ये। सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड में अगर आप इसको इसको 90 डिग्री पर चेंज भी करना चाहो तो भी कोई चेंजिंग अरेंजमेंट में नहीं आने वाला है। समझ में आ रही बात भाई, ये ए ऊपर भी जाके ए ही तो रहेगा, चेंज तो नहीं होगा, और ए के सामने अभी भी ए है, ए के सामने अभी भी ए है, जब इस ए को आप ऊपर ले जाओगे इसको नीचे ले जाओगे तब भी ए के सामने ए ही रहेगा, ए के सामने ए ही रहेगा, कोई डिफरेंट अरेंजमेंट नहीं आएगा। इसीलिए जो सिमेट्रिकल आपके बाइडेंटेड लिगेंड अगर सेंटर मेटल एटम से जुड़े हुए हैं तो वो आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो नहीं करेंगे, ये बात तो क्लियर होगी। अगर एसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड जुड़े हुए हैं जिनमें दाता परमाणु अलग अलग होते हैं, जैसे ग्लाइसिनेट और CH2 सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड ओ पर नेगेटिव चार्ज और ये आ जाएगा आपका NH2, तो यहां पर दो दाता परमाणु डिफरेंट डिफरेंट है ग्लासिनेटो में। अब अगर दाता परमाणु अलग अलग है तो हम ये कह सकते हैं, देखो एक टाइम पे सेंटर मेटल एटम से माना कि ये ए ऊपर जुड़ा हुआ है बी वाला नीचे जुड़ा हुआ है, किलेट फॉर्मेशन इसने किया हुआ है, ठीक है, रिंग बनाया बनेगा, और यहां पर क्या हुआ है ए वाला है और यहां पर कौन सा वाला जुड़ा हुआ है बी वाला, ठीक है सेम, तो हम कह सकते हैं ए के सामने ए है बी के सामने बी है, ठीक है। दूसरा कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, अगर मैं बी को ए से एक्सचेंज कर दूं यानी कि इसको फ्लिप कर दूं 90 डिग्री रोटेशन कर दूं इसका तो बी ऊपर चले जाएगा तो मैं ये कह सकता हूं पहले तो ए के सामने ए था अब ए के सामने कौन है बी है और रिंग फॉर्मेशन तो इसने की हुई है तो इस अरेंजमेंट में डिफरेंस है कि नहीं है। यहां पर ए के सामने ए था बी के सामने बी था, यहां ए के सामने बी है यहां बी के सामने ए है, तो दोनों स्ट्रक्चर एक दूसरे से डिफरेंस रखते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये आपके एक दूसरे के ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं, यानी कि ये वाला जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है जिसमें आपके बाइडेंटल लिगेंड क्या होते हैं एसिमेट्रिकल होते हैं, ये डिफरेंट ज्योमेट्री प्रोवाइड करते हैं, दैट्स व्हाई हम इसको कह सकते हैं इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो होता है, यहां ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो नहीं होता है। इसको मैं एग्जांपल से समझा सकता हूं, सपोज करो निकल के साथ ग्लाइसिनेटो जुड़ा हुआ है, ग्लाइसिनेटो को हम GLY से रिप्रेजेंट करते हैं, अगर आपको कभी क्वेश्चन में GLY लिखा हुआ मिल जाए तो उसका मतलब है ग्लाइसिनेटो। इसका एग्जांपल मैं ले सकता हूं, इस कॉम्प्लेक्स का एग्जांपल है एनआई के साथ ग्लाइसिनेटो जुड़े हुए हैं, कितने जुड़े हुए हैं दो, ठीक है, ये ग्लाइसिनेटो, ठीक है GLY। तो अगर आपसे पूछा जाए इसका स्ट्रक्चर बनाओ तो आप स्ट्रक्चर बना सकते हो, देखो निकल सेंटर पे रहेगा, यहां सपोज करो आपने नाइट्रोजन जो है वो डोनर एटम रख दिया, ठीक है, इसके साथ NH2 जुड़ा हुआ होगा, डायरेक्ट जोड़ के देख लेता हूं, ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। यहां क्या जुड़ा हुआ होगा आपका ऑक्सीजन जुड़ा हुआ होगा, ये वाला ऑक्सीजन डोनर एटम, इसके बाद ये रहा बेटा आपका CH2 और ये रहा आपका C डबल बॉन्ड O, ठीक है, बना केलेट फॉर्मेशन हुआ, इधर सेम टू सेम रखो NH2 रहा होगा और यहां रख दो आप जो डोनर एटम है वो माना कि ऑक्सीजन है और ये रख दो आप CH2 और ये रख दो आप C डबल बॉन्ड O। तो देखो इस ग्लाइसिनेटो में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन डोनर एटम है, इस ग्लाइसिनेटो में नाइट्रोजन ऑक्सीजन डोनर एटम है, ऑक्सीजन के सामने ऑक्सीजन है नाइट्रोजन के सामने क्या है आपका नाइट्रोजन है। इसको हम चेंज कर सकते हैं, फ्लिप करो इसको, ऑक्सीजन को ऊपर लेके जाओ, देखो यहां से बॉन्ड तोड़ सकते हैं, इसको खींच करके यहां नहीं ले जा सकते, इसको खींच करके यहां नहीं ला सकते, एक बात ध्यान रखना, इसको यहां नहीं ले जा सकते, इस नाइट्रोजन को यहां नहीं ले जा सकते क्योंकि 180 डिग्री पर रिंग फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है। समझ में आ रही बात, अनस्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, आप सोचो कि इस ऑक्सीजन को यहां उठा के रख दो और इस नाइट्रोजन को यहां उठा के रख दो तो ये पॉसिबल नहीं है। हम इतना कर सकते हैं यहां से बॉन्ड को तोड़ के इसको फ्लिप कर देंगे, ऑक्सीजन को ऊपर लेके जाएंगे नाइट्रोजन को नीचे लेके आएंगे,
तो अगर हम ऐसा फॉर्म करते हैं तो ये कुछ इस प्रकार से होगा कि यहाँ पर ऊपर अब डोनर एटम नाइट्रो ऑक्सीजन हो जाएगा और नीचे डोनर एटम होगा वो नाइट्रोजन हो जाएगा, ठीक है। CO ऊपर चले जाएगा और CH2 आपका नीचे आ जाएगा, ठीक है, इतना चेंजिंग हो जाएगा। अब यहाँ क्या है, यहाँ स्ट्रक्चर को हमने सेम रखा है, यहाँ पे डोनर एटम ऑक्सीजन है, यहाँ पे डोनर एटम आपका नाइट्रोजन है, यहाँ CH2 रहेगा, यहाँ पर रहेगा आपका सी डबल बॉन्ड ओ। अब देखो नाइट्रोजन के सामने ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के सामने ऑक्सीजन, जबकि इससे पहले वाले स्ट्रक्चर में आप देखो ऑक्सीजन के सामने ऑक्सीजन था, नाइट्रोजन के सामने नाइट्रोजन था, ठीक है। तो इस स्ट्रक्चर में, इस स्ट्रक्चर में डिफरेंस आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो हम कह सकते हैं ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है जिसमें आपका जो लिगेंड होता है बाइडेंटेंट, वो अगर सिमेट्रिकल होता है तो वो आराम से आपका क्या कर सकता है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स फॉर्म कर सकता है। कौन? ऐसा कॉम्प्लेक्स जिसमें बाइडेंटेंट लिगेंड क्या होगा, डिफरेंट एसिमेट्रिकल होगा, ठीक है। तो ये आपका एग्जांपल बन गया एसिमेट्रिकल बाइडेंटेंट लिगेंड के लिए। तो मोनोडेंटेंट लिगेंड के लिए स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में कैसे आपके ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनते हैं, या बाइडेंटेंट लिगेंड में कैसे बनते हैं, अगर सिमेट्रिकल है तो कुछ भी नहीं बनेगा, एसिमेट्रिकल है तो बिल्कुल बनेंगे, किस प्रकार से बनेंगे, वो सारी की सारी बातें मैंने आपको बता दी हैं। तो इस प्रकार से स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म जो है वो क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। आगे बात करते हैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की। अष्टफल के संकुलों में ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म हमें देखनी है। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, अभी सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में मेटल के साथ जो 6 लिगेंड जुड़े होते हैं वो किस प्रकार से जुड़े होते हैं, मैंने आपको पहले बताया है कि ये अगर सेंट्रल मेटल आइटम है तो इसके साथ 6 लिगेंड कुछ इस प्रकार से जुड़े होंगे कि 4 तो आपके स्क्वायर प्लेनर पे होंगे, ठीक है, 4 लिगेंड तो आपका स्क्वायर प्लेनर फॉर्म कर रहे होंगे और एक लिगेंड आपका ऊपर होगा और एक लिगेंड आपका नीचे होगा, ठीक है। इस प्रकार से आपकी ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर बनती है। तो लिगेंड से अगर हम बात करें कि सेंट्रल मेटल आइटम से 6 लिगेंड जुड़े हुए स्फीयर पर प्लस माइनस एन इतना भी चार्ज हो सकता है, ठीक है, उससे हमें मतलब भी रखना है। अभी मैं इसको नंबरिंग देता हूं, तो माना कि ये लिगेंड 1 है, ये लिगेंड 2 है, ये लिगेंड 3 है, ये लिगेंड 4 है, ये माना कि लिगेंड 5 है और ये लिगेंड 6 है। इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म आएगी या नहीं आएगी, तो मे बी एस मे बी नो, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म जितने भी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं उनमें ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म बन भी सकती है नहीं भी बन सकती है। अब कब बनेगी या कब नहीं बनेगी उसको जानने से पहले मैं आपको एक और बात बता देता हूं, यहां पर भी दो टाइप के ही बॉन्ड एंगल बनेंगे, 90 डिग्री एज वेल एज 180 डिग्री। अब 90 डिग्री किस किस के बीच बनता है और 180 डिग्री किस किस के बीच बनता है वो हमें आपको समझाना है ध्यान से। देखो स्क्वायर प्लेनर कुछ इस प्रकार से होता है, ठीक है, ये जो 4 लिगेंड है वो कुछ इस प्रकार से होंगे। मान लो मेरे हाथ को आप स्क्वायर मान लो, तो सेंटर पर आपका लिगेंड होगा, सॉरी मेटल होगा, सेंटर पर आपका मेटल होगा, एक लिगेंड यहां जुड़ा हुआ है, दूसरा लिगेंड यहां जुड़ा हुआ है, तीसरा लिगेंड यहां जुड़ा है, चौथा लिगेंड यहां जुड़ा है। इन चारों के चारों लिगेंड की अगर मैं बात करूं स्क्वायर प्लेनर में, तो L1 L2 के बीच 90 डिग्री का एंगल पहले बता चुका हूं, L2 L3 के बीच 90 डिग्री का एंगल, L3 L4 के बीच 90 डिग्री का एंगल और L4 L1 के बीच भी 90 डिग्री का एंगल होता है। ये तो स्क्वायर प्लेनर में मैंने बता दिया है, ये तो दोबारा समझाने की जरूरत नहीं है। यानी कि मैं इतना लिख सकता हूं कि 90 डिग्री एंगल किस किस के बीच बनेगा, तो यहां से हम स्टार्ट करें, L1 L2 के बीच 90 डिग्री का एंगल बनेगा फर्स्ट, L2 L3 के बीच भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा, L3 L4 के बीच भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा, L4 L1 के बीच भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा। यानी कि अगर ये दोनों लिगेंड यानी L1 और L2 पर रखे हुए लिगेंड सेम है तो ये सिस फॉर्म हो जाएगी, ये तो बात है, क्योंकि 90 डिग्री पर अगर दो लिगेंड सेम लिगेंड रह रहे हैं तो वो आपकी सिस फॉर्म होती है, 90 डिग्री पर सिस फॉर्म बनती है ना। तो सिस फॉर्म कहां कहां पर बनती है वो तो मैंने आपको बता रखा है, 90 डिग्री पर बनती है, यानी कि अगर ये लिगेंड सेम है तो ये सब सिस फॉर्म बना रहे होंगे। इसके अलावा
एक चीज देखो, अगर सेंटर मेटल एटम से ये वाला L5 वाला ऊपर एक लिगेंड जुड़ा हुआ ऊपर ऐसे, तो ये जो L5 है यहां पर क्या था, L2 था, यहां पर L2 है ना, ये माना ना मैंने स्क्वायर, इसको L1 माना, इसको L2 माना, इसको L3, इसको L4, और ये आपका L5। तो L5 से देखो, यहां से L5 से नीचे आओ, यहां से यहां जाओ, ये इन L5 और L2 के बीच जो एंगल बन रहा है ये कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का बन रहा है कि नहीं बन रहा है भाई? ये ऊपर से आया मेटल पर और मेटल से L2 पर सामने आया, ये है ना, ये L5 था, देखो यहां से ऊपर से L5 मेटल तक आया और मेटल से यहां L2 पर गया, तो ये कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, देखो 90 डिग्री का बन रहा है कि नहीं बन रहा है? यानी कि L5 और L2 के बीच आपको लग रहा होगा ये नीचे नीचे नहीं है, अगर सेंटर मेटल एटम यहां है तो L2 यहां है और L5 यहां है, तो L5 से आप L2 आए हो ना, L5 से आप L2 आए, तो यहां से ऐसे आए हो, अगर आप ऐसे आ रहे हो तो ये एंगल कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। हम कह सकते हैं L5 और L2 के बीच भी 90 डिग्री का एंगल है। अभी छोड़ो इसको और देखो पहले, अब देखो ये L5 था और ये L1 है पीछे, तो L5 से आप L1 जाओगे तब भी तो 90 डिग्री बनेगा, और ये L5 है यहां से आप L3 आओ सामने, ये आपका कितना डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का। यानी कि L5 L1 के साथ 90 बना रहा है, L2 के साथ भी 90 बना रहा है, L3 के साथ भी 90 बना रहा है, और L4 के साथ पीछे, यहां से पीछे जाओगे तो भी 90 बना रहा है, तो L5 इन चारों के साथ 90 डिग्री बना रहा है, तो हम कह सकते हैं L5 L1 90, L5 L2 90, L5 L3 90, L5 L4 90, ये सारे के सारे 90 बना रहे हैं। अगर ये 90 बना रहा है तो सिक्स वाला नीचे देखो, अब ये छठा वाला लिगेंड नीचे है, तो नीचे से आप सीधे जाओ यूं, या इसको फ्लिप कर दो ऊपर, ज्यादा बेटर समझ में आएगा, इसको फ्लिप कर दोगे ना ऊपर, तो L6 ऊपर आ जाएगा और जो L2 था देखो पहले L2 आगे था, फ्लिप किया तो L2 पीछे चले जाएगा, ठीक है? तो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो रहा है शायद, फ्लिप मत करो ऐसे देखो। अच्छा ये L6 है, L6 से आप आगे आओ L2, कितने डिग्री का एंगल है, 90 है कि नहीं है? तो L2 L6 90 है और L6 और L1 पीछे है, तो L1 और L6 के बीच में 90 बनेगा, L6 ये है और L3 यहां है, तो L3 और L6 के बीच में 90 बनेगा और L4 L6 के बीच में 90 बनेगा, तो टोटल कितने एंगल बन गए यहां पे, L6 L1 90, L6 L2 90, L6 L3 90 और L6 L4 आपका क्या बन जाएगा, 90 बन जाएगा। तो टोटल मैं कह सकता हूं एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह, बारह 90 डिग्री के एंगल बनेंगे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में। तो क्या 12 90 डिग्री के बेस पर आप डिफ्रेंशिएट कर पाओगे किसी कॉम्प्लेक्स को? बहुत ज्यादा कंजुगेट हो जाएगा, क्योंकि 12 टाइप के 90 डिग्री के एंगल बन रहे हैं, तो यहां से तो डिफ्रेंशिएट करना पॉसिबल नहीं है, तो आप फोकस करना 180 डिग्री पर, क्योंकि 180 डिग्री यहां पर केवल तीन बन रहे हैं, कौन कौन से देखो, L1 L3 L4 L2 के बीच, ये तो स्क्वायर प्लेनर में बनता ही बनता है, एक और 180 डिग्री है वो किसके बीच है, L5 और L6 के बीच, यानी कि ट्रांसफॉर्म 180 डिग्री पर बनती है, और 180 डिग्री कहां कहां बनेगा आपका, L5 L6 में बनेगा, L1 L3 पे बनेगा और L2 L4 पर बनेगा, यानी कि तीन जगह आपका क्या बनने वाला है, 180 डिग्री का एंगल बनने वाला है। तो अब अगर ये लीगेंड सेम है 180 डिग्री पर है तो ये ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, तो आप ना बेस इसको मान लेना, इस बेस पर, इसके बेस पर ही आप डिफरेंशिएट करना, क्योंकि 12 टाइप के 90 डिग्री के एंगल तो आप रिप्रेजेंट कर ही नहीं पाओगे कभी भी, ठीक है? मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो था वो मैंने आपको बता दिया है, ये बात समझ में आ गई ना कैसे हुआ? देखो बच्चे क्या सोच रहे हैं कि सर L6 और L2, अगर आप 2D में स्ट्रक्चर देखोगे तो 2D में ये आपको 90 डिग्री दिखेगा ही नहीं, जबकि एक्चुअली में ये कुछ इस प्रकार से है कि अगर यहां पर सेंटर मेटल एटम ये है तो ये आपका L2 है कि नहीं है, ये आपका L3 है और यहां नीचे आपका L6 है, तो ये L6 से L2 गए हम ऐसे, तो ये आपका 90 डिग्री बनेगा। मतलब आप ये मान के चलो इस L2 और L3 को यहां सामने मान के चलो, ऐसे ये सामने है, ये ऐसी किताब जैसी है ना, स्क्वायर प्लेनर है ना ये, तो स्क्वायर प्लेनर कैसे होता है, मेटल सेंटर पर है और माना कि ये सेंटर पर मेटल है, यहाँ आपका L2 होगा, यहाँ आपका L1 होगा, यहाँ आपका L4 होगा, यहाँ L3 होगा, तो L5 ऊपर है, तो ऊपर से आप यहाँ जाओगे ऐसे करके, तो ये 90 तो बन रहा है, यहाँ 90 बन रहा है, यहाँ 90 बन रहा है, यहाँ 90 बन रहा है,
इसी प्रकार नीचे जो लीगेंड होगा वो इन चारों के साथ क्या बनाएगा, 90 बनाएगा ना। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है बच्चों को इस चीज में, लेकिन इसको अच्छे से समझ लेना, इसीलिए मैंने पहले ही बता दिया आपको ये सब 90 डिग्री के एंगल है, तीन ही एंगल यहाँ पे 180 डिग्री के। अब यहां से आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। तो एक आधा एग्जाम्पल मैं अभी बता देता हूं आपको, ठीक है। अगर हम बढ़े आगे कि क्या ये सारे के सारे ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैंने आपको पहले कहा है। जैसे हम देखते हैं यहाँ पे MA6 प्लस माइनस N, ये तो रखना ही रखना है। अगर 6 के 6 लीगेंड सेम हो जाए, 6 के 6 लीगेंड मेटल से जुड़े हुए हैं वो सेम हो जाए, लीगेंड की जगह पर मैं आपको A रख के दे देता हूं, ठीक है। अगर 6 के 6 लीगेंड सेम हो जाए, यानी कि ये लीगेंड ए, ये भी 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 ए, तो इसके कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बन सकते हैं। मतलब अगर मैं ए की पोजीशन में कोई दूसरा ए रख दूं, तो क्या इसके बॉन्ड एंगल में कोई चेंजिंग आएगा? अब आप खुद देखो, ए के सामने कौन है 180 पर, ए ही है। ए से 180 कौन बना रहा है, ए बना रहा है, और ए के साथ 90 कौन बना रहे, ए ही बना रहे। भाई अगर ये लीगेंड सेम के सेम है और एक ही लीगेंड के बीच 90 डिग्री और 180 डिग्री एंगल बन रहा है, तो आप अगर इस ए को ऊपर भी रखोगे और इस ए को नीचे भी रखोगे तब भी तो वही बात आएगी ना, 90 डिग्री फिर भी ए के साथ ही बनेगा और 180 डिग्री फिर भी ए के साथ ही बनेगा। यानी कि मैं कह सकता हूं यहां पर आप कितना भी चेंजिंग कर दो तो अरेंजमेंट तो आपका सेम ही रहने वाला है, क्योंकि ये 6 के 6 लीगेंड क्या है, सेम है। और 6 के 6 लीगेंड अगर सेम है, अच्छा कौन से वाले लीगेंड है, ये मैंने आपको बता दिया, ये मोनोडेंटेट है, ठीक है। पहले मैं आपका मोनोडेंटेट लीगेंड से ही बात करता हूं, बाद में ही मैं बाइडेंटेट लीगेंड पे आऊंगा, ठीक है। तो अगर 6 के 6 मोनोडेंटेट लीगेंड सेम है, तो सेम मोनोडेंटेट लीगेंड का मतलब है सेम सेम के बीच 90 डिग्री और सेम सेम के बीच 180 डिग्री है। तो आप कितना भी इसकी पोजीशन को चेंज कर दो तो इनके बॉन्ड एंगल तो वही रहेंगे, कोई अरेंजमेंट चेंज नहीं होगा। तो इसीलिए हम कह सकते हैं इसका कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं बनेगा, GI इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। अच्छा, MA6 की जगह आप क्या कर दो, MA5 कर दो और B कर दो। अगर आप MA5 और B करोगे, यानी कि इसमें से एक लीगेंड को हटा दो और इसमें आप B लिख दो, अब मैं आपसे पूछूं कि क्या ये आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा, तो आप कहोगे बिल्कुल भी नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, आप एक बात बताओ, ये जो B है ये 90 डिग्री किसके साथ बना रहा है, 90 डिग्री AA के साथ बना रहा है, और ये भी 180 डिग्री किसके साथ बना रहा है, 180 डिग्री A के साथ ही बना रहा है। तो जब इसका 90 डिग्री भी A के साथ बन रहा है, 90 डिग्री भी किसके साथ बन रहा है, A के साथ बन रहा है, और 180 डिग्री भी किसके साथ बन रहा है, A के साथ ही बन रहा है। अब मैं इसकी पोजीशन को अगर चेंज कर भी दूं तब भी ये 90 डिग्री A के साथ ही बनाएगा और 180 डिग्री भी A के साथ ही बनाएगा, तो चेंजिंग तो कुछ नहीं आया ना, अरेंजमेंट तो वही रहा। अब अरेंजमेंट वही रहा तो इसलिए इसका भी GI पॉसिबल नहीं है, यहां पर भी GI पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब GI कहां पर पॉसिबल होता है वो हमें देखना है। GI पॉसिबल होता है MA4B2 टाइप में। अगर आपके पास MA4B2 टाइप का कॉम्प्लेक्स आ गया प्लस माइनस N आ गया, तो अभी देखो B2 को हम रेफरेंस मानेंगे, B2 के संदर्भ में हम देखेंगे, ये जो चार लीगेंड है ये 180 भी बना रहे होंगे और 90 भी बना रहे होंगे। ऑक्टाहेड्रल में मैंने पहले कहा ना, ज्यादा लीगेंड को हम क्या कर सकते हैं, रेफरेंस नहीं मान सकते हैं। रेफरेंस हमेशा जिन लीगेंड के नंबर, जिस टाइप के लीगेंड के नंबर कम होंगे ना, उसको हम रेफरेंस मानेंगे। अगर ये वाले आपके 90 डिग्री पर लाई कर रहे होंगे तो इसको हम सिस फॉर्म कहेंगे, और ये बी वाले अगर आपके 180 डिग्री पर लाई कर रहे होंगे तो इसको हम क्या मान लेंगे, ट्रांसफॉर्म मान लेंगे। हमेशा एक बात ध्यान रखना, इस B2 को ही हम क्या मानेंगे, रेफरेंस मानेंगे यहां पर, ठीक है, MA4B2 टाइप में। कैसे, देखो बेटा, ये रहा आपका M सेंटर में, माना कि बी और बी एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं, 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं पहले वाले स्ट्रक्चर में। ए वाले 90 भी बनाएंगे और 180 भी बनाएंगे, क्योंकि इनके नंबर्स बहुत ज्यादा है, तो इसको तो हम रेफरेंस नहीं मान सकते ना, रेफरेंस हम बी को ही मानेंगे। तो बी बी के बीच आपका क्या बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, दैट्स व्हाई इसको हमने सिस फॉर्म कहा है।
क्या हम इसको एक्सचेंज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अगर मैं इस बी को यहां ले आऊं इस ए के साथ, तो क्या हो जाएगा? सेंटर पर मेटल रहेगा, ये आएगा बेटा आपका बी, यहां आएगा आपका ए, यहां आएगा आपका ए, नहीं ए नहीं, यहां बी आ जाएगा ना, बी को ए के साथ चेंज कर दें, यहां आ जाएगा आपका ए और ऊपर आ जाएगा आपका ए, नीचे आ जाएगा आपका ए। रेफरेंस किसको मानना है? मैंने पहले कहा रेफरेंस मानना है बी को। इस समय जो बी है वो आपका 180 डिग्री पर है। अब देखो पहले वाले स्ट्रक्चर में बी आपका 90 डिग्री पर था, इस वाले में बी 180 डिग्री पर है, ये कौन सी फॉर्म हो गई? आपकी ट्रांसफॉर्म हो गई। क्या ये अरेंजमेंट और ये अरेंजमेंट सेम है? बिल्कुल भी सेम नहीं है, क्योंकि यहां पर बी बी के बीच 90 डिग्री था, यहां पर बी बी के बीच 180 डिग्री है। ए को रेफरेंस नहीं मान सकते हम। क्यों नहीं मान सकते? क्योंकि बेटा ए के बीच एंगल 90 डिग्री भी यहां पर भी है और 180 डिग्री यहां पर भी, देखो इनके बीच 180 डिग्री है और इनके बीच 90 है, इसके और इन दोनों के बीच 90 है, इसके और इन दोनों के बीच 90 है, यहां पर इसके और इन तीनों के बीच, इसके 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 बीच तो 90 डिग्री का एंगल, लेकिन ये वाला तो 180 पर है और ये वाला भी 180 पर है, ठीक है। तो यहां 180 और 90 डिग्री दोनों ही पॉसिबल है, इसलिए रेफरेंस किसको मानते हैं? रेफरेंस कम वाले को मानते हैं। जो जो ये दो लिगेंड है ना, एक प्रकार के जो ये दो लिगेंड है, इनके बीच हम रेफरेंस देखेंगे। ये दो पहले सिस फॉर्म में थे क्योंकि 90 डिग्री के एंगल पर थे, अब ये 180 डिग्री के एंगल पर है। हाँ, मैं आपसे पूछूं कि क्या इसका तीसरा स्ट्रक्चर बना सकते हो आप? तो बच्चे बहुत सारे सोचते हैं हाँ सर बना सकते हैं, अगर मैं इस बी को यहां रख दूं। तो बेटा अगर आप इस बी को यहां भी रखोगे ना तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्यों? क्योंकि ये बी और इस बी के बीच भी 90 डिग्री का ही एंगल होगा। अभी बताया था ना, इसको L6 मान लो और इसको L1 मान लो, थोड़ा पीछे करोगे रिवर्स करोगे ना आपको तो समझ में आ जाएगा। ये आपका L6 था अगर आपको ध्यान हो, और ये क्या है आपका L1 है। तो ये L1 यहाँ है और L6 यहाँ है, तो इन दोनों के बीच 90 डिग्री का एंगल बन रहा है ना। तो बस एक ही पोजीशन है, अगर इस B को मैं यहाँ रखूं या इस B को यहाँ रखूं, इससे ज्यादा चेंज नहीं कर सकते हैं। अच्छा, बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे सर इस B को अगर हम यहाँ रखेंगे तो दूसरा स्ट्रक्चर बनेगा, दूसरा ही बनेगा, यही बनेगा। क्यों? क्योंकि तब भी तो बी बी के बीच 180 डिग्री होगा और अभी भी तो 180 डिग्री है ना, तो इसके दो स्ट्रक्चर से ज्यादा पॉसिबल नहीं है। समझ में आ रही बात? अच्छा, इसका हम एग्जांपल लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। एग्जांपल कौन है? कोबाल्ट लिख दो, सीएल टू लिख दो, एनएस थ्री का होल फोर लिख दो, और इस पर कौन सा चार्ज लगा दो? प्लस वन चार्ज लगा दो, ठीक है। अब आपको क्या करना है, सीएल टू को क्या मान के चलना है? बी बी मान के चलना है। यानी कि मैं ये कह सकता हूं यहां पर एक सीएल लिख दो, यहां पर दूसरा सीएल लिख दो, और कॉम्प्लेक्स पर कितना चार्ज लगा दो? प्लस वन चार्ज लगा दो, और इन ए ए की जगह पर क्या लगा दो आप? एन एस थ्री लगा दो। इस समय क्या मिलेगा आपको? इस समय आपको एक चीज मिलेगी कि सीएल सीएल इस समय 90 डिग्री पर है, इसलिए ये आपका सिस फॉर्म है। अगले टाइम पर सीएल सीएल को आप क्या कर दो? वन एटी पर रख दो, और इस ए की जगह क्या लगा दोगे? एन एस थ्री, एन एस थ्री, एन एस थ्री, और ये हो जाएगा आपका एन एस थ्री, ठीक है। बना लोगे ना, ये वाला एग्जाम्पल ये, ठीक है। तो यहां पर आपका क्या है, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म क्या है? पॉसिबल है, ठीक है। सर वीडियो थोड़ा सा लंबी हो रही है, तो ऐसा करूंगा मैं इसका जो आगे वाला पोर्शन है, आगे वाला जो पार्ट है वो मैं आपको अगले वाले वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। अभी के लिए थैंक यू। ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी तो अपलोड करने में थोड़ा सा दिक्कत होती है, ठीक है। तो यहाँ तक मैं यहीं पे इस टॉपिक को क्लियर करता हूँ। इसके बाद आगे के जो मैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में आपके ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म में, वो मैं आगे वाले लेक्चर में आपको समझा दूंगा, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।